चलिए अब सुनो, तो dx मेरे पास में आ गया है k टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री। अब देखो जो आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे स्टार्टिंग में, जो टॉपिक चल रहा था ये, इसलिए k क्यों लेते हैं, k क्या जरूरी है। तो मैंने कहा था कि भाई यदि आपके पास में वैल्यू सिंपल आ रही है प्लस करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद, तो k की जरूरत नहीं है वहां पे। लेकिन यदि वैल्यू फ्रैक्शन में आएंगी तो k का रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि k यहाँ पे फिर वो बनेगा जो यहाँ पे एलसीएम में आएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है फिर ऐसे कहेंगे k टाइम ऑफ 3x² - 5/3। ठीक है, अब हम यहाँ पे k को लेंगे 3, और k 3 लेने के बाद में हमारा dx आ जाएगा 3x² - 5। अब हम करेंगे 3x² - 5 से डिवाइड, क्योंकि यदि आप डिवाइड करोगे 3x² - 5/3 से तो वो टिपिकल होगा। फ्रैक्शन में डिवाइड करना आसान नहीं होता है, इसलिए उसको आसान करके बनाया गया है 3x² - 5। हाँ बोलो सर, आपने यहाँ से बताइए ये देखो, ये जो मेरे पास में k है, मैंने ये बताया है कि कुछ राइटर, कुछ बुक्स और कुछ टीचर जो है यहाँ पे के लेके नहीं चलते, वो के यहाँ पे लेते ही नहीं। ठीक है, तो वो तब तक तो सही चलता रहेगा जब तक आपके पास में वैल्यू सिंपल आ रही है सम की और प्रोडक्ट की, मीन्स फ्रैक्शन में नहीं आ रही है। लेकिन फ्रैक्शन में आते ही फिर हो जाएगा मामला सरासर गड़बड़। तो जो ये के है, दरअसल होता क्या है, आप थोड़ा डीपली सोचे और डीपली सोचना, मेरे पास में है x² + 2x + 4। रजी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से दो आंसर आएंगे, -2 - 2 दोनों सेम आएंगे। ठीक है, अब सुनो इस k की कहानी, यदि आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो अभी 4 से तो क्या बनेगा, 4x² + 8x + 16। इसको सोल्व करो तो इसके आंसर अभी भी वही होंगे, -2 - 2। आप इसको मल्टीप्लाई करो -2 से तो बनेगा -2x² - 4x - 8। इसको सोल्व करो, इसके आंसर अभी भी वही होंगे। इनको बोलते हैं सिमिलर इक्वेशन या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आप एक इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसके रूट हमेशा वही आएंगे स्टार्टिंग में आए थे, करके देख लेना जाके प्रैक्टिकल। तो ये जो k है, यदि आप इस k को 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते जाओगे, पॉलीनोमियल तो चेंज होगा जैसे इक्वेशन चेंज हुई है, लेकिन जीरोस वही रहेंगे जो ऊपर दी हुई है आपको दोनों। ठीक है, ये k का जो रोल है आप ज्यादा बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है इसका रोल, लेकिन टाइम की वजह से और आपके सिलेबस की वजह से ज्यादा डीपली जा नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ कहते हैं के को मत लो। ठीक है, कुछ कहते हैं के को ले लो, जैसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि के यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी जीरोस ये दोनों होंगी, इतने सारे पॉलीनोमियल होंगे इनको आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। जैसे इक्वेशन है, इसका आंसर भी यही है, फिर इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी यही है, और उससे आप दिन भर कितनी भी क्वेश्चन बनाते रहो बैठ करके, उन सब के आंसर यही होंगे, करके देख लेना। सुनना है कुछ, क्यों, क्योंकि हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है एक अननोन वैल्यू, कभी किया इसको 4 से मल्टीप्लाई, कभी कर रहे हैं इसको -2 से मल्टीप्लाई, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक k ही तो है। जब k को रखोगे आप 1 तो फर्स्ट पॉलीनोमियल, k को रखोगे 2 सेकंड पॉलीनोमियल, k को 3 थर्ड पॉलीनोमियल, लेकिन उन सबकी जीरोज वही रहेंगी जो हैं, करके देख लेना इसको, इसको इस तरह से। ठीक है, तो k को ले लेना, और यदि नहीं भी लोगे तो आपके यहां मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन उस तरीका सही नहीं है। ठीक है, बिना के मत करना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, जब हम यहां तक आ गए, अब हमें तो इससे डिवाइड करना है अपने उस दिए पॉलीनोमियल को जो px क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर 4 दी इसमें। अब यदि मैं ऐसे डिवाइड करने लगूं उसको,
तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फ्रैक्शन में आया हुआ है। तो मैं इसको इस फॉर्म से यहां पे लेकर के आया, मैंने k को 3 ले लिया, जो डिनोमिनेटर में आया वही ले लूंगा। यहां आता 4, मैं इसको 4 लेता k को, फिर यहां आता 5, मैं इसको 5 लेता, क्यों, जिससे कि ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और इससे मैं डिवाइड कर सकूं, क्योंकि x माइनस 1 से डिवाइड आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे कहूं कि x माइनस 1/2 से करो। समझ में आ रहा है कुछ, इससे डिवाइड करना आसान है, लेकिन मैं आपको कहूं x माइनस 1/2 से करो तो नहीं कर पाओगे आप, टिपिकल है। यदि मैं इससे डिवाइड करने के लिए कहूं तो आप में से आधे नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि इससे करना चाहोगे तो कर देंगे। ठीक है दानिश, सुनमाया है, इसलिए हमने k को ले लिया 3, और k को 3 लेने के बाद वो इसी फॉर्म में आ गया, और अब करेंगे डिवाइड। तो जरा आइए आगे फिर क्वेश्चन में, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करना है। अब जो दिया हुआ है, क्या दिया है, 3x^4, ये बाल ये रहेंगे लेकिन ये वक्त नहीं रहेगा, फिर हमें प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इसके बाद में थोड़ा बोला। चलिए करो डिवाइड, अब पहले चेक कर लो कि दोनों दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इट मींस डिवाइड करना पॉसिबल है। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर से, तो आ जाएगा 3x^4। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो माइनस 5 को, तो बनेगा मेरे पास माइनस 5x^2। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा। उसके बाद एक्स क्यूब को कॉपी कर लो एज इट इज, माइनस 2 और ये 5 प्लस में, तो बचेगा 3 प्लस में, माइनस 10x माइनस 5। अब 3x^2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाए, इट मीन्स प्लस 2 टाइम ऑफ x, तो बनेगा 6x³। अब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो बनेगा माइनस 10x। चलिए साइन चेंज करो, माइनस प्लस दोनों कट गए, तो क्या बचा 3x² वहां से बचा माइनस 5, इसको चलाएंगे हम 1 टाइम, तो आ जाएगा 1 और ये 3x² माइनस 5, साइन चेंज कर दो, जीरो जीरो। ठीक है, जो दो आंसर हमें निकालने थे और वो आएंगे अब इस, ठीक है, इसके फैक्टर कर दो अब, इट इज कोसेंट क्यूब एक्स, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x+1 x+1, और जब इनको रखोगे अपने माइंड में 0 के बराबर, तो यहां से आंसर आएगा -1 और -1। तो दो जीरोस उन्होंने दी थी, दो जीरोस हमने निकाल ली, -1 और -1, इस तरह से आगे का सवाल। ठीक है मैं प्रॉब्लम लूंगा, बस आप ज्यादा 2 मिनट आराम से बैठेंगे, खत्म नहीं होगा लेसन मेरे पास पूरा है, जो डी बी है और ये बी सी दोनों के दोनों बने हुए हैं, सिस्टम एकदम सेम कर रहे चलिए 4u² + 8u। अब सुनो इन कहानी, इन क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले तो आप निकालेंगे जीरो, नंबर है 33,
पेज नंबर 33। कलर निकालेंगे आप जीरोज, कैसे निकालते हैं कलर को जीरोज? सर इसका जीरोज नहीं निकलता। वो ग्राफ को जितना बोलते थे सर, हमारे को सर हम यहाँ अभी यहाँ पर आए थे, यहाँ पे रखी थी। वो तो नहीं है सर, उधर सुन लो, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में जो फोर्थ पार्ट दिया है, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, सबसे पहले इसको रखेंगे आप जीरो के बराबर, क्योंकि जब भी किसी पॉलीनोमियल से निकालनी होती है जीरोस, तो उसको हम जीरो के बराबर रखते हैं। मींस हम कन्वर्ट करते हैं एक पॉलीनोमियल को इक्वेशन की फॉर्म में। क्योंकि मैं यदि आपसे कहूं कि मेरे पास x प्लस फाइव है, तो बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन मैंने कहा कि भाई x प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, अब आप निकाल सकते हो x की वैल्यू माइनस फाइव। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे पॉलीनोमियल को इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन जिसके पास होता है इक्वल साइन इक्वल टू, ठीक है, और पॉलीनोमियल उसके पास इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो पॉलीनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, तो मैं इसको मान लेता हूं पी यू के बराबर। पी यू क्यों मान रहा हूं, क्योंकि ये यू वेरिएबल में दिया हुआ है, ठीक है। यदि एक्स में होता तो मैं इसको पी एक्स मानता, यदि ये टी में होता तो उसको पी टी मानता, यदि वाई में होता तो उसको पी वाई मान लेता, बट अभी यू में दिया हुआ है तो मैंने इसको पी यू एज्यूम कर लिया, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। तो चलिए आगे पुट करेंगे पी यू इक्वल्स टू जीरो। जीरो के बराबर क्यों रख रहे हैं, जिससे कि हमें जीरोज मिल सके। तो आ जाएगा फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू इक्वल्स टू जीरो, यहां से फोर यू कॉमन लीजिए, मीन कर रहे हैं फैक्टराइज। तो आ जाएगा यहां से u प्लस टू, अब रखेंगे 4u को इक्वल टू जीरो, फिर रखेंगे u प्लस टू को जीरो के बराबर। तो एक बार आ गया u जीरो, दूसरी बार में आ गया u माइनस टू, तो आ चुकी है मेरे पास में दो जीरोस, उनमें से एक जीरो है और एक माइनस टू है। अब इन दोनों का आप सम निकालिए, सम आएगा जीरो प्लस माइनस टू मीन्स माइनस टू, इन दोनों की निकालिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आएगी जीरो इंटू माइनस टू मीन्स जीरो। यहां तक ये हो चुका है, आधा क्वेश्चन हो चुका, आधा पार्ट हो चुका है। हमने ये यहां तक मैनुअली किया, अपने आप निकाल करके इसको किया है, अब करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। ये जो पी यू है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू प्लस जीरो, ठीक है। तो अब मैं इसके कंपेयर करूंगा पी यू इक्वल्स, देखो यदि यहाँ पे एक्स होता तो हम एक्स लेते, लेकिन अब्दुल्ला हम ले यहाँ पे यू, तो कंपेयर करेंगे यू स्क्वायर प्लस थ्री यू प्लस सी। तो ए यहाँ से आ गया फोर, बी यहाँ से आ गया एट और सी आ गया जीरो। ये सब कुछ हो रहा है फॉर्मूले की हेल्प से, वो हुआ था मैनुअली, बस एक मिनट रुक जाओ। तो जब फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे आप सम ऑफ जीरोस, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो आ जाएगा माइनस एट अपॉन फोर माइनस टू। फिर निकालेंगे हम प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, इट मीन्स जीरो अपॉन फोर, इट मीन्स जीरो। अब सुन लो, हमने पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर रखा, वहां से निकाली दो जीरोस, उनका सम किया उस वक्त माइनस टू आया, मल्टीप्लाई किया जीरो आया। उसके बाद हम चले फॉर्मूले पे और हमने फॉर्मूले की हेल्प से वही सम निकाला जिसको हमने पहले यहां पे निकाला था मैनुअली अपने आप, तो वो भी माइनस टू था, अब भी माइनस टू है। बस फर्क इतना है कि वहां हमने पहले जीरोज को निकाला था, उसके बाद उनका सम किया था, और यहां हमने जीरोज निकाले बिना फॉर्मूले की हेल्प से उनका सम निकाल दिया, जो कि आ रहा है माइनस टू, एंड मल्टीप्लीकेशन जो आ रही है जीरो। यदि फॉर्मूले की हेल्प से आने वाला सम और मल्टीप्लाई मैनुअली सॉल्व करके आने वाले सम और मल्टीप्लाई के बराबर होगा,
तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड अदरवाइज नॉट वेरीफाइड, ये बात ध्यान रखें। बोलिए फैक्टराइज कैसे होगा, कॉमन लीजिए आप, कॉमन लेते हमने फोर यू इक्वेशन, हाँ तो प्लस जीरो है तो वो यही तो है भाई जी, पॉकेट में कुछ नहीं है तो जीरो है वहां पे, सीधी सी बात है। यदि इसको कुछ मिलता, मान लो यहाँ पे होता फाइव प्लस सिक्स है कुछ होता, तो फिर हम करते उसको स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म से। क्या कह रहे हैं, नहीं फैक्टर तो यहाँ पे इसलिए आसान हो गए क्योंकि टर्म दो ही बची हुई है, जब टर्म दो होती है तो उन्हें कर लेते हैं हम ऐसे कॉमन लेकर के, जब टर्म तीन हो जाएंगी तो फिर हम करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट, ठीक है उसको हम ब्रेक कर देंगे दो टर्म में, ठीक है पढ़ा था आपने क्लास एट्थ में। फिफ्थ इसका जो फिफ्थ है जो टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है ना, उसमें काम करेंगे आप, स्टार्टिंग में तो स्क्वायर ऑफ टी है, लास्ट में दिया 15, 15 को लिख लेना रूट 15 का स्क्वायर, आप आराम से नहीं बैठ सकते क्या, 15 को लिख लेना रूट 15 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेंगे दो फैक्टर टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, दो जीरो आएंगी रूट 15 और माइनस रूट 15, ठीक है। और पूछिए क्या पूछना है, इन्हें कर लेना याद करके 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, ओके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, ठीक है देखो 1 मार्क्स में मिले या 2 मार्क्स में मिले मिलते हैं। हाँ भैया आप मुझे अब्दुल्ला पूछो 10.2 में, अरे क्या पूछ रहे हो तुम 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5 10.2 चलो टेन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 214 क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, एक सर्कल है, सर्कल में एक टेंजेंट है मतलब उसकी बाउंड्री में जा रही है टच करते हुए, तो वो कह रहे हैं कि आप ये बात प्रूव कीजिए कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन सर्कल के सेंटर से ही पास होती है, ये प्रूव करना है कि एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है वो सर्कल के सेंटर से ही पास होती है, ऐसा आपको प्रूव करना है। वो कह रहे हैं कि सर्कल की बाउंड्री पे टेंजेंट है, उसके बाद एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगी, कहीं और से नहीं होगी, आपको ये बात प्रूव करनी है। ये टेंजेंट है मेरे पास ए बी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसको टी मान लेता हूं, तो मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन ओ टी वो सेंटर से ही पास हो रही है, कहीं और से पास नहीं हो रही है।
हमें ये बात दी हुई है कि ये एंगल 90 है। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, तो तब वो लाइन सर्कल के सेंटर से ही प्रूव होगी, सॉरी पास होगी। आपको ये बात प्रूव करनी है। तो सोचिए कैसे करेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे आप? वी हैव अ टेंजेंट ए बी, अ सर्कल इन विच ओ टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये बात हमें दी हुई है। अभी बेटर है ना, आराम से। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ओ टी सेंटर से पास हो रही है? अंजु कैसे प्रूव करेंगे? आप मुंह बंद रखो, अपना व्यूज मत, जरूरत ही नहीं आपके व्यूज की। बस आप सुनो, सुनवाए तो ठीक, ना आए तो ठीक, छुट्टी होगी। हाँ बताओ। हमें प्रूव करना है कि ये जो ओटी है ये परपेंडिकुलर है एबी के, और ये जो ओटी है लाइन इस सेंटर से ही पास हो रही है। इस बात को प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं? एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के और वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगी, कैसे प्रूव करेंगे? क्या नहीं, 90 है पर पेंडिकुलर है, मैंने लिख रखा है। लेकिन जो ये ओ है, ये प्रूव करना है कि ये ओ इस सर्कल का ही सेंटर है। प्रूव करना है सही है। देखो आपने एक मेथड पढ़ा था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम यहां पे उसी मेथड की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ओ टी को, ये तो क्वेश्चन में दिया है परपेंडिकुलर है, हम क्या करेंगे यहां पॉइंट डी पे एक खुद की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग सेंटर ओडेस है और ओडेस टी ये परपेंडिकुलर होगी। फिर क्यों दानिश, क्योंकि ये बन जाएगी फिर रेडियस। हम कहेंगे भाई जब हमारे अकॉर्डिंग सेंटर ओ नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग तो सेंटर ओडेस है, तो फिर तो ओडेस टी परपेंडिकुलर हुआ इस एबी पे हुआ। लेकिन फिर हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल ओ टी ए इज ऑल्सो 90, और हम कह रहे हैं कि ओ डैश टी ए 90, और यदि दो एंगल सेम मेजरमेंट दिखा रहे हैं, इट मीन्स वो अलग अलग ना होकर के फिर वो सेम ही होंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे फिर? हम कहेंगे भाई एंगल ओ डैश टी ए अपने आप में अलग नहीं बन रहा है, वो ओ टी ए पे ही बन रहा है। तो जब ये एंगल अलग से ना बन करके लाइन ओ टी ए पे बनेगा, तो जो ओडेस आपको दिखाई दे रहा है अभी ओ से ऊपर, वो वहां से शिफ्ट होकर के ओ के ऊपर आ जाएगा। और जब ओडेस ऑक्यूपाई कर लेगा इस ओ को, ओडेस क्या था हमारे अकॉर्डिंग सेंटर था, तो फिर जब ओडेस ओ पे आ जाएगा तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि भाई ओ जो था अपने आप में वो सेंटर ही था। दोबारा प्रश्न होता है, हम यहां क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें सिर्फ इतनी बात दी हुई है कि ओ टी परपेंडिकुलर है इस ए बी पे, प्रूव करना है कि ओ सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सर्कल का सेंटर ओ ना मान करके अपने हिसाब से लेके चल पड़े, और मेथड यूज करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन। हम बोलेंगे कि भाई सेंटर ओ ना होकर के सेंटर हमारे अकॉर्डिंग ओ डैश है। ठीक है, सेंटर नहीं मानते उसको।
जब सेंटर हमने ले लिया ओडेस तो आपने एक बात पढ़ी थी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू अ पॉइंट एट द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। तो हम लिख सकते हैं फिर उस बात से कि ओडेस टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर लिखेंगे हम दिस इंप्लाइज ओडेस टी ए इज 90। यस देखिए फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में बट एंगल ओ टी ए इज इक्वल्स टू 90 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब हमारा एंगल ओ डैश टी ए वो भी 90 है, उनका दिया हुआ एंगल ओ टी ए वो भी 90 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ओ डैश टी और ओ टी अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी तो जो अभी आप सेंटर ओ डैश ऊपर देख रहे हो उससे ऊपर वो ऊपर नहीं रहेगा, वो शिफ्ट होकर के ओ के ऊपर आ जाएगा। और जब सेंटर ओ डैश शिफ्ट होकर के ओ के ऊपर आ जाएगा, ओ सेंटर नहीं था लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ओ डैश सेंटर था, तो फिर हम बोल देंगे कि भाई ओ डैश तो जब ओ के ऊपर आ गया ओ डैश सेंटर था, ठीक है, इट मींस ये ओ भी सेंटर था जो पहले वहां पे था, ठीक है। ऐसे हम इसको करेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।